मौत का तो एक दिन मुकर्रर है। बाज़ अफराद बीमार होकर मरते हैं तो बाज़ हंसते खेलते अचानक इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन हर किसी की मौत का सबब अलग होता है। कोई हार्ट अटैक से तो कोई ट्रैफिक के हादसे में मर जाता है, कोई करंट लगने से और कोई मूजी अमराज का शिकार होकर इस दुनिया से कूच कर जाता है। लेकिन जिनका करीबी अजीज या रिश्तेदार इस दुनिया से रुखसत होता है, गम तो सिर्फ उनके लिए ही होता है। दूसरे लोग थोड़े से अफसोस के बाद मौत के इस अचानक वाक़े को आम वाक़ात की तरह हमेशा के लिए फरामोश कर देते हैं। दूसरों की गलती और ऐसी गलती जिससे कई जाने जा चुकी हों, गलती नहीं कही जा सकती, बल्कि उसे भी कत्ल में शुमार किया जाता है। इसलिए कि गलती करने वाले को इस बात का पूरी तरह इल्म होता है कि वो जो कुछ कर रहा है वो किसी की जान के लिए ख़तरा भी हो सकता है। आइए हम ऐसी गलतियों से गुरेज करें जो दूसरों के हंसते बसते घरों को मातम कदे में तब्दील कर देती हैं। लाहौर के एक घर का हंसता मुस्कुराता फर्द घर से अपने काम पर गया, मगर मौत उसके रास्ते में जाल बिछाए खड़ी थी। मौत भी ऐसी जो इस शहर के हर फर्द के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुकी है, मगर ना इंतजामिया के कानों पर जूम रेंगती है और ना ही कातिलों की आंखों में रहम का कोई जज्बा दिखाई देता है। आखिर क्या वजह है? लाहौर के बेगुनाह शहरी इतनी बेदर्दी से क्यों कत्ल हो रहे हैं? उनके गले काटने वाला कौन है? मुगलपुरा का रहायशी आमिर दो बच्चों का बाप था। उसके वालदैन भी उसके साथ रहते थे और वो उनका वाहिद कफील था। आमिर सदर बाजार के एक होटल पर काम करता था। रोजाना सुबह घर से निकलता और रात गई वापस आता था। दिन रात मेहनत का एक ही मकसद था कि घर में खुशहाली आ जाए। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है, वो बरसों के मंसूबे बनाता है मगर उसे अगले पल की खबर नहीं होती। एक रोज आमिर घर से रवाना हुआ। उसकी मंजिल तो होटल थी, मगर वो उस मंजिल पर पहुंच गया जहां से कभी भी कोई वापस नहीं आता। एक रोज आमिर हसबे मामूल अपनी मोटरसाइकिल पर होटल जाने के लिए निकला। बीवी घर के कामकाज में मसरूफ हो गई। आमिर जब मोटरसाइकिल पर मुगलपुरा फ्लाईओवर पर पहुंचा तो अचानक एक कटी पतंग की डोर उसके गले को काट गई। वो मोटरसाइकिल पर काबू ना रख सका और गिर गया। उसकी गर्दन से खून के फुवारे निकल रहे थे। आमिर हिम्मत करके उठा, गले पर हाथ रखा और लोगों को कहता रहा कि उसे अस्पताल ले जाएं। बेरहम डोर ने गला काटा तो बेहिस लोगों ने आगे बढ़कर उसकी मदद करने की भी जहमत गुवारा ना की। कुछ ही देर बाद खून बहुत ज्यादा बह जाने से आमिर निढाल होकर गिर गया और तड़प तड़प कर एड़ियां रगड़ते हुए जान दे दी। लोगों ने मदद तो ना की, मगर किसी ने पुलिस को फोन जरूर कर दिया। रास्ते से गणेशों का जो ओवरहेड ब्रिज है उसके ऊपर से क्रॉस कर रहे थे, उसको नीचे आ रहे थे वापस घर में, तो डोर गले में लगी है। वो डोर फंसने से वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। काफ़ी देर वहाँ पे वो पड़े रहे, तड़ते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह का टाइम था इसलिए तो उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। उनको जब उठा के ले गए हॉस्पिटल में तो डेथ हो चुकी थी उनकी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। आमिर की जेब से मिलने वाले कागजात से उसकी शिनाख्त हो गई। पुलिस ने उसी के मोबाइल फोन पर घर इतला कर दी कि आमिर का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल पहुंचे। घर वाले मुख्तलिफ खदशात जहन में लिए। जब अस्पताल पहुंचे तो मालूम हुआ कि आमिर हलाक हो चुका है, जिस पर गुस्सा ने चीखो पुकार शुरू कर दी। सुबह 9 बजे गए ने काम के, 10:30 का टाइम पुलिस वाले ने फोन किया कि आंटी आपके घर में कोई आदमी नहीं आया। मैं कहा नहीं, कहता मैं काशी बोल रहा हूँ, लड़का मैं पुलिस वाले जा रही हूँ, कहता मैं काशी बोल रहा हूँ तो आमिर का पुल पे एक्सीडेंट हो गया। मैं कहा चोट तो नहीं ज़्यादा लगी? कहता नहीं, उसका अबू नीचे था वो भाग गया, उसका भाई अनारकली गया था, मैंने उसको फ़ोन किया वो भी चले गया, एक भाई नीचे था मुझे नहीं पता था काम से आ गया वो भी भागे, बेटा पीछे पीछे रक्षा लाके मैं भी चली गई, मुझे बाहर से बता दिया कि आमिर ख़त्म हो गया। आमिर की हलाकत का बेरहम वाकया कोई पहला वाकया नहीं, इससे कबल भी ऐसा होता रहा है और ना जाने कब तक होता रहेगा। इस दर्दनाक वाकये पर आमिर के गमजदा खानदान का क्या कहना है और हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की गई?
आमिर की लाश जब घर लाई गई तो वहाँ क़यामत बरपा हो गई। बीवी और माँ के बयान सुनकर वहाँ मौजूद अफराद की आंखें भी नम हो गईं। उसे सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुतवफी अपनी बेटी को डॉक्टर और बेटे को हाफिज़े कुरान बनाना चाहता था और बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए वो ओवर टाइम भी लगाता था। बेटा मेरे से बहुत प्यार था। रात को आता था तो कहता था अम्मी मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। सुबह जाता था तो कहता था अम्मी अपना ख्याल रखना। मैंने जाना कभी भगवान पर कहना अम्मी आप ना जाया करें सड़क पे रश होता। मेरा बेटा इतना लायक था मैं कितनी तारीफ करूं। अब बेटे के बगैर मैं नहीं रह सकती। मुझे कब्र में साथ ही डाल दो बेटे के बगैर मैं नहीं रह सकती। मेरा बेटा बहुत लायक था। सबसे बड़ा था, दो बेटे छोटे हैं। मेरा इससे प्यार बहुत था। एक बेटा उसकी एक बेटी है, ये बेटी एक बेटा उसका। बेटा मेरा आप से बहुत प्यार था। मेरा फरमाबरदार बहुत था। बाकी बच्चे जवाब देते किसी बात में। बेटे का कहना है कि उसका बाप पतंगबाजी की भेंट चढ़ गया, अब कौन उसे पढ़ाए लिखाए और खिलाएगा। पतंगबाजी को बंद किया जाए और मैं इसकी वजह से पापा फोत हो गया। मेरी यही दरखास्त है, सुन होनी चाहिए और उसको सजाए मौत देनी चाहिए। इमरान खान से दरखास्त है कि पतंगबाजी को बंद कर दिया जाए, उसकी वजह से मेरे पापा फोत हो गए। मुतफी के भाई का कहना है कि हुकूमत पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर अमल दरामद में सख्ती करती तो उसका भाई ना मरता, हुकूमत इसका नोटिस ले। वजीर आला पंजाब ने वाकये का नोटिस लेते हुए आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब करते हुए पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया। आईजी पंजाब ने एसएचओ मुगलपुरा को मुअत्तल करते हुए एसएसपी ऑपरेशंस को तहकीकात करके रिपोर्ट देने की हिदायत कर दी। मुतवफी के वर्सा रहले इलाका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पतंगबाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए क्योंकि आए रोज लोग कटी पतंग की डोर फिरने से हलाक हो रहे हैं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। पतंग की डोर से कितने गले कटे और कितने घरों में सफे मातम बिछा, ये तो हमें भी मालूम नहीं, मगर हम इतना ज़रूर जानते हैं कि अब ऐसे वाक़यात का जिक्र करते हुए हमें भी ऐसा लगता हो जैसे हमारे गले पर भी किसी ने तेज़ धार आले से वार कर दिया हो। खुदा के लिए ऐसे खेलों और तफरी से अपनी जान छुड़ाइए जो दूसरों की ज़िंदगी से खेलती हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। जराइम पेशा अफराद के हाथों एक दफा फिर कराची के शहरी परेशान हैं। इस शहर में स्ट्रीट क्राइम्स में भी इजाफा हुआ है और दीगर जराइम में भी शहरियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ के एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने एक ऐसे गिरोह के दो मुलजिमान को गिरफ्तार किया है जो शहर के जेर तामीर इमारतों में काम करते थे, मगर उसके साथ वहाँ वारदातें भी करते थे। कराची में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो स्ट्रीट क्राइम की वारदात से महफूज हो। एंटी वेकर लिफ्टिंग सेल गडाब टाउन ने एक कार्रवाई के दौरान एक ऐसे गिरोह के दो कारिंदों को गिरफ्तार किया जो पहले जेरे तामीर इमारतों में मिस्त्री का काम करते थे। गिरफ्तार होने वाले माहिवाल ने बताया कि सरजानी टाउन लियारी एक्सप्रेस वे पर काम के दौरान उसकी मुलाकात एक आशिक नामी शख्स से हुई जिसके साथ उसके ग्रुप में शामिल हुआ और वारदातें शुरू की। मिस्त्री का काम करता था। फिर क्या हुआ? मैं एक जगह पे लियारी एक्सप्रेस में काम करने के लिए गया। वहाँ एक आशिक नाम का है, वारदाती है। उसने मेरा बेटा माजूर है तो मेरे को पैसे नहीं बन रहे थे कि उसको इलाज करने के लिए। मिस्त्री के काम में कभी काम लगता था कभी नहीं लगता था, तो उसने मुझे बोला है कि हम ये काम करते हैं, आप हमारे साथ काम करो, आपको पैसे घने मिलेंगे, आप अपने बेटे का इलाज भी कर सकोगे और सुखे हो जाओगे। तो मैं लालच में पैसे नहीं थे, मैंने उसको बोला चलो सही है मैं आपके साथ जाता हूँ। गिरफ्तार मुलजिम ने बताया कि वो अक्सर जेर तामीर इमारतों में वारदातें करते थे क्योंकि उन्हें एक ही जगह से अच्छी रकम मिल जाती थी जो वो आपस में तकसीम कर लेते थे।
उसने अपना घर बनवाना था, मुझे बोला गया मुझे मिस्त्री चाहिए। पहले वो अजमेर नगरी में रहता था, किसी के थ्रू मुझे वहाँ भेजा गया कि इसका काम कर दो जाके। मैंने जाके उसके घर का काम किया, फिर उसके घर का काम किया तो उसने मुझे, मैंने उसको अपना बताया कि भाई मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरा काम धंधा है नहीं। उसने मुझे बोला कि हम ये काम करते हैं, अगर हमारे साथ चलोगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे, आपके बेटे का इलाज भी हो जाएगा और आप जो ना सुखी हो जाएंगे। तो मैंने बोला सही है, आप चले मेरे साथ। फिर मैं इनके साथ में स्कूटर चलाता था, ये लोग जाके वारदात करते थे। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान ज्यादातर जेर तामीर इमारतों में वारदातें करते थे। मुलजिमान का कोई एक साथी मजदूरों से मिला हुआ होता है जो वारदातों में मुलजिमान की मदद करता है। मतलब जहाँ घर बन रहे होते हैं वहाँ से इनसे कोई ठेकेदार या मिस्त्री मजदूर इनसे जो मिला होता है वो इनको बताता है कि यहाँ पे पेमेंट होने वाली है। तो मतलब एक सन्नाटा भी होता है वहाँ पे, दो चार मजदूर होते हैं ठेकेदार या मालक होता है, इनके लिए वो टारगेट आसान होता है। वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके सबको होल्ड करवाते हैं, उनसे जो पैसा मोबाइल या जैसे कुछ सज्जा मंगाता है, कुछ सीमेंट मंगाता है, मटीरियल मंगवाते हैं, वहाँ उन्होंने पेमेंट करनी होती है, गाड़ी को देना होता है पैसा। सरिया वाले वो भी इनके साथ मिले हुए, सरिया जैसे वो सरिया की पेमेंट होती लाख डेढ़ लाख दो लाख चार लाख, इस तरह से बंदे ने पेमेंट करनी होती वहाँ पे। और वो इनको मजदूर इनके जो ठेकेदार से इनकी मिली भगत होती है। तरीका वारदात ये है कि मैं उधर जाके खड़ा हो जाता था जहाँ को प्लाट बन रहे होते थे, ये लोग वहाँ जाके जो ना उनको हैंडल करते थे, उनसे पैसे ले लेते थे, मोबाइल ले लेते थे। 10 बंदे भी हो सकते हैं 12, लेकिन वो जो सेट लोग होते हैं उन्हीं से पैसे लिए जाते थे। अच्छा जी, मजदूरों को बोल दिया जाता था कि आप सेट पे जाके बैठ जाओ। सही है, हम लोगों का काम है सेठों से पैसे लेते थे, मोबाइल लेते थे, फिर चले जाते। इस गिरोह में शामिल जराइम पेशा अफराद कितनी वारदातों में मुलव्वस थे और उनका एक साथी कैसे गिरफ्तार हुआ? पुलिस के शिकंजे में मौजूद मुलजिम का कहना है कि उन्होंने डेढ़ माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 7 से ज्यादा वारदातें की थी। एक वारदात में उनके साथी इस्माइल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। फिर मैं इनके साथ काम करता रहा, काम 6-7 काम मैंने इनके साथ लगातार किया। फिर ये इस्माइल पकड़ा गया 1.5-2 महीने के अंदर। जी अच्छा, फिर ये इस्माइल पकड़ा गया, फिर मेरी भी जो ना ड्रेसिंग हुई, मैं भी पकड़ा गया, फिर मुझे मारा भी है और सामान मेरे ऊपर बोला है, फिर सामान भी बरामद हुए, 2 सामान बरामद हुए। गिरफ्तार मुलजिम ने बताया कि अक्सर वारदातों के दौरान अगर कोई मजहमत करता तो वो उसे छोड़ देते थे, पुलिस के डर से कभी किसी को गोली नहीं मारी। शरीफ तो नहीं है सर ये काम, जो ना शरीफ बंदे का तो नहीं है किसी से पैसे लेना का। ये है कि जो बंदा तंग करता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, आप मुझे मारना है तो मार दो, तो इससे अच्छा कि हम चले जाते थे कि यार इसको छोड़ दो, कहीं और चलते हैं और कर लेंगे। गिरफ्तार होने वाले दूसरे मुलजिम इस्माइल ने बताया कि वो 2010 से शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर रहा है। मुसाफिर बस लूटने के दौरान पुलिस पहुंच गई थी जब वो पहली बार गिरफ्तार हुआ था। 2010 में सर मैंने वारदात शुरू कर दी और पहली वारदात थी मेरी। 5 नंबर मस्जिद में चढ़े थे हम लोग, मैं था, बशीर था और शौकत था। उसमें हमने 5 नंबर मस्जिद को हैंडल करा अपने कवर में करके, वैसे वैसे हर चीज़ छीन ली। जैसे नीचे उतरने लगे पुलिस वहाँ पहुँच गई, पुलिस ने फायरिंग करी, मेरे साथ का जो लड़का था वो ज़ख्मी हो गया, फिर हम बंद हो गए थे इसके अंदर। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने बस लूटने का इतराफ़ किया, लेकिन वो इस मुकदमे में बरी हो गया और फिर से वारदातें शुरू कर दी और सरजानी टाउन से छीने गए मोबाइल फ़ोन की वजह से गिरफ्तारी अमल में आई। पकड़े गए, मोबाइल छीना था। कहाँ से? ये लियारी से। अच्छा, वहाँ फिर वो ट्रेस हुआ, मोबाइल ट्रेस हुआ। मोबाइल ट्रेस होने के बाद पुलिस मेरे तक पहुँची, मुझे गिरफ्तार करा। उसके बाद फिर माईवाल को गिरफ्तार करा और फिर हम लोग यहाँ पहुँचे। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग पुलिस ने तफ्तीश के जदीद तरीके से मुलजिमान का सुराग लगाया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान का गिरोह 6 अफराद पर मुश्तमिल है जो शहर में जेरे तामीर इमारतों और सरजानी टाउन के अंदरूनी इलाकों में वारदातें करता था। वहाँ कंस्ट्रक्शन की जो बिल्डिंगें बनती थी वहाँ पे भी करते हैं। अगर कोई वैसे के रोड पे इनको कोई आसान टारगेट मिल गया तो मोबाइल, असल में ये काम करते टच पे, इनको कोई ना कोई बंदा टच देता है, ये पैसे लेके आ रहा है। और लियारी एक अच्छी आबादी है वो उस एरिए में, सरजानी टाउन के एरिए में, ये वहीं पर ज़्यादातर वारदातें करते हैं। जैसे वहाँ पर वो बंदा आता है, मालक आ जाता है, ठेकेदार आ जाता है, तो वहाँ पे ये आज उनको होल्ड करवा देते हैं। तो 4-6 लड़कों का ग्रोह है जिसमें सबके पास वेपन है, 2 वेपन इनसे रिकवर किए हैं और बाकी दूसरा इनका साथी आशिक है, शौकत है, बशीर है, शान है, तो उनके लिए रेड कर रहे हैं। टेक्निकल मदद से उनको हमने गिरफ्तार किया है।
बाकी आगे उनकी गिरफ्तारी की भी वो भी कोशिश जारी है। गिरफ्तार मुल्जमान ने सुरजानी टाउन में वारदात के दौरान रकम लूटी और वहां से फरार होते हुए 125 मोटरसाइकिल भी छीनकर फरार हुए थे, जो मुल्जमान ने 35,000 रुपए में फरोख कर दी थी। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, वहां भी इन्होंने वारदात की जाके, तो वहां से इन्होंने 125 मोटरसाइकिल जो है वो भी छीन ली और वहां से पैसे मोबाइल वगैरह भी छीने और मोटरसाइकिल के इंकशाफ किया कि हाफ चौकी भी हम लोगों ने बंदे किसी को 35,000 की दे। दोस्त था जानने वाला, उसने बोला कि मुझे गाड़ी अगर तुम्हारे को मिलती है तो मुझे देना, मैं आगे भेज दूंगा। साहब हमने उसको गाड़ी दी, शौकत नाम है उसका, 35,000 में उसने वो गाड़ी बेची। कौन सी? 125 थी साहब। मामूली मुल्जिम नजर आने वाले जराइम पेशा अफराद जब गिरफ्तार होते हैं तो पता चलता है कि उनका ताल्लुक तो बहुत बड़े गुरोह से था। इसके बावजूद पुलिस बड़े गुरोह तक मुश्किल से ही पहुँचती है और शहर में जराइम की वारदातें उसी तरह जारी रहती हैं। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा कराची। मुल्क के सबसे बड़े शहर में जराइम की शराबी ज्यादा है, भला ऐसे शहर में जराइम कैसे कम हो सकते हैं जहां की पुलिस के बड़े बड़े अफसरान भी ना सिर्फ चोरों और डाकुओं की मदद करते हों बल्कि खुद भी चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्वस पाए जाएं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रابطہ करना चाहते हैं तो हमारा पता है csatsama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे رابطہ कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। वीरा खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।